चाय तो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन क्या चाय से जुड़े दो इम्पॉर्टेंट इंग्लिश इडियम जो बहुत ही कॉमनली यूज़ होते हैं क्या आपको पता है? आइए बात करते हैं। द फर्स्ट वन, नॉट अ कप ऑफ टी, इट मीन्स दैट समथिंग यू डोंट लाइक। अगर आपको कोई एक चीज़ पसंद है, एट द सेम टाइम अगर दूसरी चीज़ आपको पसंद नहीं है, उस समय हम इस idiom का यूज़ कर सकते हैं। फॉर example, आई लाइक टू लर्न इंग्लिश बट आई डोंट लाइक मैथ वेरी मच, इट्स नॉट my कप ऑफ टी। मतलब इंग्लिश पढ़ना तो मुझे पसंद है, लेकिन एट द सेम टाइम मैथ्स मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, इट नॉट दैट मच इजी फॉर मी। आज की दूसरी idiom है स्ट्रॉन्ग इन अ टी कप, इट मीन्स दैट ग्रेट आउटरेज और एक्साइटमेंट अबाउट अ ट्रिवियल मैटर। मतलब बहुत ही छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होना, झगड़ा करना या फिर आक्रोश करना। बहुत ही आम भाषा में अगर कहे तो बातों का बदंगड़ बनाना। फॉर example, yesterday my friend had a great argument over the movie ब्रह्मास्त्र, but it was just a storm in a teacup. आइए और एक example लेते हैं। I really think you are making a storm in a teacup or this because it's just a tiny scratch on the car. मतलब आपकी कार पे ये छोटा सा तो स्क्रैच है, आप इसे लेकर इतना बातों का बतंगड़ मत बनाइए। तो आज से इन दो idiom का यूज अपने रोजमर्रा की लाइफ में जरूर कीजिए। It will definitely help you to sound more advanced. Thank you so much for watching. See you tomorrow. हमें चाय चाहिए, हम चाय के दीवाने, हमें चाय चाहिए।